सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश को 28 रनों से मात देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ ही भारत ने सातवीं बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले भारत ने 1983, 1987, 1996, 2003, 2011 और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इस जीत के बाद भारत के 8 मैचों में 6 जीत, 1 हार और 1 रद्द मैच के बाद 13 अंक हो गए हैं। वह दूसरे स्थान पर ही कायम है। आपको बता दें, जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बर्मिंगम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में भारत को सपोर्ट करने आई 87 साल की बुजुर्ग महिला प्रशंसक चारुलता पटेल से मिले। विराट ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहे टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा भी इस बुजुर्ग महिला प्रशंसक से बने। जी हाँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक खास फैन के साथ जीत का जश्न मनाते मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। 87 साल की चारुलता पटेल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपना आशीर्वाद दिया। जीत के बाद विराट कोहली ने अपनी इस बुजुर्ग महिला प्रशंसक के साथ बातचीत भी की। जीत के बाद 87 साल की चारुलता पटेल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को चूम लिया। टीम इंडिया की यह खास फैन व्हीलचेयर पर टीम इंडिया को सपोर्ट करने बर्मिंगम के एजबेस्टन आई थी। बता दें कि यह बुजुर्ग महिला प्रशंसक भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रही थी। वह जिस तरह टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रही थी, उसने सभी को मुरीद बना लिया। इस खास प्रशंसक ने कहा कि भारत विश्व कप जीतेगा। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूं कि भारत जीत जाए। मैं टीम को हमेशा आशीर्वाद देती हूं। मैच के बाद विराट कोहली ने भी ट्वीट कर 87 साल की चारुलता पटेल को आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।